गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे हमने पिछली क्लास में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स को समझा था, वैसे ही हम इस क्लास में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के प्रश्नों के उत्तर करेंगे, मतलब उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा है फिल द मिसिंग, मतलब खाली स्थान भरे। जैसे मैंने ये पहले भर दिए हैं तो आपको इन बॉक्सेस में शब्दों को लिखना है। जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। मतलब यहाँ जो आपको संख्या आगे पीछे करके दी है, इसे आपको आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखी हुई है, सबसे पहले आप इसे पढ़ेंगे 7, 2, 5, 9, 4। और अब आपको समझना है कि ये हमें कैसे करना है, तो आप काउंटिंग शुरू करेंगे 1, 2। हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो 1, 2, 2 आ गया, 3, 4, 5, फिर आपके पास आता है 5, पर 5 से पहले क्या आता है 4, तो आप यहाँ लिखोगे 2 सबसे पहली संख्या, फिर 2 के बाद आता है 3 नहीं है, फिर 4, फिर उसके बाद फिर 5 तो यहाँ दिया हुआ है तो 5, 6 आपके पास नहीं दिया है, फिर आएगा 7 आपके पास दिया हुआ है तो 7 इस बॉक्स में, फिर 8 आपके पास यहाँ नहीं दिया हुआ है, और फिर 9 आपके पास यहाँ दिया हुआ है तो 9। इसे हम ऐसे आरोही क्रम में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर है फिर से आपके पास फिल द मिसिंग खाली स्थान भरें। जैसे यहाँ 10 लिखा हुआ है और यहाँ 1, तो हमें यहाँ खुद ही समझना है कि हमें यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम में हमें इसे यहाँ लिखना होगा। तो 10 से पीछे क्या आता है, जैसे आपने हमें उल्टी गिनती की थी वैसे ही आप इसे करोगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हम नीचे चलते हैं, वहाँ लिखा है अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जिस तरह हमने असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में गिनती को लिखा था, वैसे ही हमें डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम में मतलब घटते हुए क्रम में इसे यहाँ लिखना होगा। तो वैसे ही आप यहाँ देखोगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 50 से छोटी 40 से छोटी 30 से छोटी 20 और फिर 10। इस तरह आप इसे आगे लिखोगे 50 40 30 20 10, मतलब जिस तरह हम उल्टी गिनती लिखते हैं उसी तरह हमें काउंट करके इसे उल्टी गिनती को ढूंढ कर लिखना होगा। जैसे नेक्स्ट में यहाँ दिया है 46, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या है तो आप 46 को उल्टा काउंट करोगे, 46 45 44 43, ऐसे करके आपको 9 तक काउंट करना है और उसके बीच जो जो संख्या पहले आएगी उसे यहाँ लिखना है। जैसे सबसे बड़ी संख्या है 46, उससे छोटी है 38, उससे छोटी है 24, फिर 14 और फिर 9। इस तरह आपको ये होमवर्क अपना कंप्लीट करना है और मुझे फ़ोटो भेजनी है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।